सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज का यह वीडियो हमारी एक सब्सक्राइबर दोस्त के डिमांड में मैं बना रहा हूं, जो कि टर्बिनाफिन टेबलेट के बारे में, ये फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने वाली दवा है। जानेंगे उसकी पूरी डिटेल में, किस बीमारी में उसको दिया जाता है, क्या क्या नाम से आपको ये मिल जाती है, किन दवाइयों के सुपीरियर ये दवा है, किससे ज़्यादा ये असर कर जाती है, साथ ही साइड इफेक्ट क्या रहते हैं, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे इसकी डोज को और किन किन व्यक्तियों को ये दवा नहीं दी जा सकती। तो ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको टर्बिनाफिन टेबलेट के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए या फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। टर्बिनाफिन एक एंटीफंगल मेडिसिन है, जो कि एलाइलामिन क्लास की एक दवा है। यह आपको टेबलेट फॉर्म में तथा क्रीम दोनों ही मिल जाएगी। इस वीडियो में हम टर्बिनाफिन टेबलेट के बारे में सीखेंगे, और यदि आप में से कोई टर्बिनाफिन क्रीम के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, वहाँ पर क्लिक करके भी टर्बिनाफिन क्रीम के बारे में आप जान सकते हैं। टर्बिनाफिन टेबलेट सामान्यतः फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दी जाती है, और स्पेशली उस समय दी जाती है जब फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल या ग्रीशियोफल्विन, इन सभी टेबलेट देने के बाद में भी फंगल इन्फेक्शन मरीज को ठीक नहीं हुआ हो, स्पेशली नेल फंगल इन्फेक्शन, तो उस समय टर्बिनाफिन टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और यदि आप फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी पूरी डिटेल दी है, आप वहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। टर्बिनाफिन जो टेबलेट है आपको 250 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है। जैसा कि आपको पता है टर्बिनाफिन दवा का जेनेरिक नाम है, वैसे तो इसी नाम से ये टेबलेट आपको मार्केट में मिल जाती है, लेकिन इसके अलावा कैसे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है जिसके बारे में हम जान लेते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड है जैसे टर्बिनासिप टेबलेट, जो कि सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है, टर्बिना फोर्स जो मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है, इसके अलावा टर्बीजेन टेबलेट, फंगोटर टेबलेट और लेमिसिल टेबलेट, ये कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड है। और इसके अलावा कई सारे ब्रांड्स है जो आपको मार्केट मिल जाएगी, क्योंकि टर्बिनाफिन की कई सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो दवा का मूल नाम रहेगा आपको टर्बिनाफिन ही रहेगा, और जो सभी ब्रांड से एक ही जगह दूसरी सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो मैं कॉमन प्राइस में आपको बताऊंगा सभी ब्रांड्स की, जिसमें 250 मिलीग्राम की जो टेबलेट है आपको 75 रुपये एमआरपी के लगभग मिल जाती है, और जो 500 मिलीग्राम की टेबलेट है आपको 135 या 138 रुपये की एमआरपी मिल जाएगी। ये ब्रांड टू ब्रांड 10 से 20 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है। उसकी जो एक स्ट्रिप आती है 7 टेबलेट की पैकिंग में आती है, और इस तरह से आपको ये मिल जाती है। और यदि आप इसको ऑनलाइन फार्मेसी से खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको 10 से 20% कुछ सर्टेन परसेंटेज डिस्काउंट मिल जाता है, तो वहाँ पर थोड़ी सस्ती मिलेगी। दोस्तों इसकी प्राइस और ब्रांड नेम को जानने के बाद बढ़ते हैं इसकी यूज़ की तरफ, क्या क्या इसका प्रयोग रहता है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने जाना था कि एंटी फंगल मेडिसिन है टर्बिनाफिन, और जो यह टर्बिनाफिन है डर्मेटोफाइट्स तथा कैंडिडा, इन दो प्रकार के जो फंगाई है इनके लिए मोर एक्टिव है, इनके अगेंस्ट मोर एक्टिव, इनको जल्दी खत्म करता है, इसको जल्दी ठीक करता है। इसके अलावा भी कई सारे फंगल इन्फेक्शन जैसे स्किन के या नेल के, उनको ठीक करने के लिए इसके प्रयोग लिया जाता है। जैसा कि अगर हम बात करें तो एथलीट फूट नाम की एक बीमारी है जो फंगल इन्फेक्शन है, जिसमें व्यक्ति के पाँव की उंगलियों के बीच में या पाँव के नीचे स्किन क्रेक हो जाती है, स्किन कट फट जाती है, जिस कारण उसको जलन रहती है, वहाँ पर दर्द होता है, और कई बार इचिंग भी होती है इसकी स्किन पर, आप पिक्चर देख पा रहे हैं। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए टर्बिनाफिन टेबलेट बहुत ही अच्छी कारगर है। और इसके अलावा जोंक इस नाम से एक बीमारी है, जो कि आपको सामान्यतः जननांगों के पास पे, जननांगों ऊपर होती है, और ज़्यादातर इसको इनर थाई के पास देखा गया है। ये कई बार आपको डार्क कलर की, वाइट कलर की या पिंक कलर की पेचेस के रूप में हो सकती है, तो इसको भी ठीक करने के लिए यह दवा बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति जिसको नेल इन्फेक्शन हो गया, मतलब हाथों के नाखून में या पाँव की उंगलियों के नाखून में इन्फेक्शन हो गया, जिस कारण से उसकी किनारे कट गई हो, येलोनेस उसमें हो गया हो, थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी उसमें, दर्द भी रहता है और खुजली भी उसमें चलती है, जो सामान्यतः फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल या ग्रीशियोफल्विन इनके द्वारा ठीक नहीं किया जाता है, तो उस स्थिति में भी यह टर्बिनाफिन टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और यदि कोई पेशेंट है जिसको सामान्यतः फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जिसमें रिंग वर्म जैसा, यदि आपकी स्किन पे रेसेस हो गए हो, ब्लिस्टर हो गए हो, किसी प्रकार की खुजली चल रही हो, लंबे लंबे पेचेस बन गए हो, जिसमें रेड कलर के पेचेस हो या डार्क कलर के पेचेस हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा खुजली चलती हो, दर्द हो या सूजन हो, तो उस स्किन इन्फेक्शन में भी यह टेबलेट बहुत ही अच्छी असर करती है और डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और बीमारी है जिसका नाम क्रोमोमाइकोसिस है। यह रेत में काम करने वाले व्यक्तियों को, पौधों में
जो फार्मर्स है, जो लेबर क्लास के लोग हैं, इन सब में बहुत ही ज़्यादा देखी गई है। जो पाँव में स्पेशली हो जाती है तो इसको ठीक करने के लिए बहुत ही लंबा ट्रीटमेंट देना होता है और उस समय टर्बिनाफिन टेबलेट बहुत ही अच्छी असरकारक होती है। और इसका अच्छा रिजल्ट पाने के लिए एक टर्बिनाफिन क्रीम भी अगर यूज की जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। दोस्तों, इन सभी के अलावा एक और मैं बीमारी आपको बताना चाहूँगा जिसे टीनिया वर्सिकोलर कहते हैं। इसमें हमारी स्किन पे वाइट कलर के पेजेस हो जाते हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए यह दवा कारगर रहती है। वाइट कलर के पेजेस में यदि इचिंग या स्वेलिंग नहीं है तो उसे एक टर्बिनाफिन ठीक नहीं कर सकती है। उसमें स्वेलिंग, इचिंग या जलन रहती है तो उस समय यह काम आती है। तो दोस्तों, ओवरऑल किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो तो उस समय टर्बिनाफिन टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और बहुत ही अच्छी फायदेमंद है। दोस्तों, इसके साथ एक और बात बताना चाहूँगा, यह जो टेबलेट है शेड्यूल एच की दवा है, इसलिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आप इस दवा को नहीं खरीदें, ना ही किसी पेशेंट को दें। तो दोस्तों, इसके यूज़ को जानने के बाद बढ़ते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ। बहुत ही अच्छी दवा होने के बाद भी इसके कई सारे साइड इफेक्ट है। जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को पेट भरा भरा सा उसको लगेगा, उसको पेट में दर्द हो सकता है, उस इंडाइजेशन व्यक्ति को हो सकता है, दस्त, उल्टी होना या कोई मस्कुलर पेन रहना, पूरे शरीर में दर्द होना, हेडेक उसको हो सकता है। और कई व्यक्ति ऐसे हैं जिसमें स्किन रेसेस भी हो सकते हैं, मुंह का जो टेस्ट है वो कुछ चेंज हो सकता है, यूरिन का जो कलर है वो भी डार्क हो सकता है, और जो स्टूल का कलर है वो लाइट या वाइट कलर का हो सकता है। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट मोर कॉमन देखे गए हैं। और इसके अलावा भी कई सारे साइड इफेक्ट है जो आपको अनवांटेड इफेक्ट के रूप में मिलेंगे। यदि ऐसा आपको मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करो, अपने डॉक्टर से मिले जिससे कोई दूसरी टेबलेट आपको इसकी जगह पर लिख सके। दोस्तों, सभी जानकारी जानने के बाद वीडियो में लास्ट में जानते हैं इसकी डोज के बारे में, क्या इसकी डोज रहती है, किस प्रकार से इसको लेना चाहिए। जैसा कि इसकी टेबलेट 250 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है, और जो टर्बिनाफिन टेबलेट है 7 टेबलेट की एक स्ट्रिप में आती है। इसका मतलब यह है कि कम से कम 7 दिन का ट्रीटमेंट आपको इसका लेना ही लेना है, उसके बगैर कोई भी फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं किया जा सकता। और इस टेबलेट को आप दिन में एक लें, लगातार 7 दिन के लिए लें। और इस टेबलेट का जो ड्यूरेशन है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, बीमारी टू बीमारी वेरी करता है। 1 हफ्ते से लगाकर 6 महीने तक इसको लगातार दिया जा सकता है। और इस टेबलेट को यदि आप खाने के पहले या खाने के बाद दोनों ही समय में लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रकार का ग्रेस्टिक रजिस्ट्रेशन ये नहीं करती। और यदि कोई पेशेंट है, कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही है, साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो उन्हें यह दवा नहीं दी जा सकती। साथ यदि डॉक्टर आपको ये लिखे तो अपने इन कंडीशन के बारे में डॉक्टर को जरूर से बताएं। और छोटे बच्चों में भी टर्बिनाफिन जो टेबलेट है प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यदि टर्बिनाफिन टेबलेट आप ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट चाहिए, बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए टर्बिनाफिन क्रीम का भी साथ में प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बीमारी जड़ से जल्दी चली जाती है। तो ये कुछ तरह से इस तरह से आपको यूज़ करना है बहुत अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। और मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लगभग टर्बिनाफिन के बारे में आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, जोर से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो जोर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाएं, जोर से सब्सक्राइब करें, जो पास बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले मेरे देख पाए। आप तो अपने दोस्त मोहित दादी से याद रख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।